हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉस द 2021 का 26 मैच के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि नॉर्दर्न सुपर चार्ज और मैनचेस्टर ओरिजिनल के बीच खेला जाएगा। तो बात करते हैं सबसे पहले प्रीव्यू, दोनों टीम का क्या हाल है। तो नॉर्दर्न सुपर चार्ज की बात करें, पॉइंट टेबल पे आपको ये मिल जाएंगे सिक्स पोजिशन पे, छः में से मात्र दो मैच जीती है लेकिन पॉइंट फाइव, जिसमें से एक मैच नो रिजल्ट रहा है। वही बात करते हैं मैनचेस्टर ओरिजिनल, तो ये पॉइंट टेबल पे फिफ्थ पोजिशन पे है और इन्होंने भी छः में से दो मैच जीता है। और बात करते हैं इनकी, तो मैनचेस्टर की बात करें, लास्ट मैच तो लंदन से हार के आ रही है, जो कि आपको अगर देखा जाए सिक्स पोजीशन पे है। अगर ये मैनचेस्टर मैच जीतती है तो पॉइंट टेबल पर बहुत ही उछाल आएगा और ये पॉइंट टेबल पर थर्ड पे पहुंच जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, यहाँ पे हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड किया जाएगा, डीम इलेवन, टीम फैंटेसी, सब कुछ यहाँ पे प्लेइंग इलेवन क्या रहने वाला है। और बात करते हैं टेलीग्राम, भाई मेरे नहीं ज्वाइन किए हो अगर हमसे बेनिफिट नहीं ले रहे हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, टेलीग्राम का व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, नीचे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। 12 अगस्त को ये मैच खेला जाएगा 11:30 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, फैन कोर्ट पे आप स्ट्रीम करके लाइव देते हैं, हेडिंगले लीड्स में खेला जाएगा, मौसम क्लियर रहने वाला है। तो सबसे पहली बात बता दें पिच एनालिसिस, तो टोटल मैच यहाँ पे देख सकते हो 50 मैच खेले जा चुके हैं इस पिच पे, बैटिंग फर्स्ट यहाँ पे 31 मैच जीती है, तो ये T20 फॉर्मेट का रिकॉर्ड है। अगर हम बात करें 100 में दो मैच हुए हैं और 100 की बात करें दो में से एक मैच फर्स्ट और एक सेकेंड बैट विन करते हुए नजर आई है। और लीड्स की बात करें यहाँ पे, और नॉर्दर्न की बात करते हैं, नॉर्दर्न ने दो मैच इस पिच पे खेला है जिसमें से एक 128 ओवल के खिलाफ जो कि जीती है, और वेल्स फायर के खिलाफ जबकि जॉनी वेस्ट होते तो 173 चेस करना था, 160-60-80 ही बना पाई और वो मैच हारी। तो एक 50-50 का रेशियो है इस पिच पे। स्कोरिंग मैच होने वाला है क्योंकि देख सकते हो स्कोरिंग पैटर्न पर अगर ध्यान दो तो एवरेज स्कोर यहाँ पे 178 है 50 मैचों में, यानी कि आप पता कर सकते हो इससे कि जो भी मैच हुए हैं ज़्यादा स्कोरिंग मैच हुए हैं 160 प्लस हुए हैं जिसे डिफेंड किया गया है मैच में। स्कोर देखोगे 150 से 170 के बीच 7 मैचों में लगे हैं और 170 से 190 ये सब 16 मैचों में लगे हैं, 16 मैचों में। तो स्कोरिंग मैच है, स्कोरिंग पिच है ये, बैटिंग पिच के लिए, बैटिंग के लिए बहुत ही अनुकूल है। यहाँ पे जो भी हो सेकेंड बैट के लिए प्रेफर करेगा इस पिच पे। एवरेज स्कोर यहाँ पे देखोगे 140 से अभव भी होने वाला है, 160 अभव भी जा सकता है, लेकिन जो कि अनुमानता है 140-107 होगा। पेसर और स्पिन ज़्यादातर यहाँ पे पेस मिलेगा यहाँ पे विकेट लेते हुए। वही बात करते हैं दोस्तों टीम न्यूज, नॉर्दर्न सुपर चार्ज की तरफ से डेविड विली जो कि स्क्वाड को लीड कर रहे हैं, कार्लोस बेथवेट मैनचेस्टर ओरिजिनल को लीड कर रहे हैं। प्ले इलेवन में कुछ खासा चेंज नहीं है, लेकिन प्रीवियस मैच देखोगे नॉर्दर्न ने सदर्न के बीच जो कि लास्ट मैच खेला था 128 रन बनाया था और 130 सदर्न ने इसे चेस किया, और लास्ट मैच दोनों टीम हार के ही आ रही है। मैनचेस्टर की बात करें लंदन से हार के आ रही है, जो कि 144 रन डिफेंड कराया। रिसेंट फॉर्म देखोगे नॉर्दर्न सुपर चार्ज और मैनचेस्टर ओरिजिनल तो कंटिन्यू आपने बता दिया है, दोनों टीम लास्ट मैच हार के आ रही है, दो ही मैच जीती है। और प्लेइंग इलेवन में नॉर्दर्न सुपर चार्ज का स्क्रीनशॉट ले लो, कोई ज़्यादातर चेंज है मुझे दिख नहीं रहा। एडम लिट, क्रिस लिन, हैरी ब्रुक्स, डेविड विली, डैन विलास, जॉन सिम्सन, बेन रिंस, मैट पॉटी, आदिल रशीद तो प्लेइंग इलेवन में रहने वाले हैं। बाकी मैनचेस्टर की बात करें फिलिप्स और जॉय कलर, कोलिन मुनरो और कोलिन एक्रम, टॉम लैम्बनिक, कैल्विन हैरिसन, बाकी आपको सारे जो कि अच्छे प्लेयर थे, की प्लेयर थे, वो चले गए हैं टेस्ट स्क्वाड में हैं जो कि टेस्ट खेलेंगे। की प्लेयर नॉर्दर्न सुपर चार्ज की जो कि अच्छे पॉइंट आपको दे सकते हैं, एडम लिट, क्रिस लिन, डैन विलास, आदिल राशिद, एक्रमन को भी ले लेना, और जो कि मैनचेस्टर में है आदिल राशिद, मुजीबुर रहमान। वही मैनचेस्टर की बात करें फिलिप साट, कोलिन मुनरो, जॉय क्लार्क, कार्लोस बेथवेट और लोकी फर्गुसन के साथ जा सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भाई मेरे दिया गया है वो ज्वाइन कर लेना, वही में हमारा ओरिजिनल है, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप नंबर है। बात करते हैं आपको डीम इलेवन टीम, देखो विकेट कीपर सेक्शन में फिलिप साट और डेविन विलास अवेलेबल है, दोनों खेल रहे हैं, और एक मैनचेस्टर के और एक नॉर्दर्न के, तो दोनों के साथ जाओ, दोनों अच्छे पिक होंगे यहाँ पे। फिलिप्स ऑल्ट एक अच्छे मंजे हुए बैट्समैन है। वही बात करते हैं बैट्समैन में, एडम लिट, जॉय क्लार्क, हैरी ब्रुक, कोलिन मुनरो, ये चार बैट्समैन है। क्रिस लिन देखो, क्रिस लिन एक ही मैच में चले हैं और वो भी इकोनॉमिकल, अगर देखोगे स्ट्राइक रेट देखोगे 100 ही रहा है उस मैच में, तो 15 से 20 रन ही बना पा रहा है हर मैच में। लेकिन क्रिस लिन जिस दिन चलेंगे आपको की प्लेयर्स के तौर पे अच्छे पॉइंट दे सकते हैं, तो आप जा सकते हो की प्लेयर्स में, यहाँ पे क्रिस लिन को ले सकते हो। बाकी आपको बात करें कैलस वेथवेट और डेविड विली,
तो ये दो जो कि ऑलराउंडर है अच्छे पॉइंट दे रहे हैं, और कार्लोस बेतो आपको बॉलिंग और बैटिंग से भी अच्छे नज़र आ रहे हैं, तो दोनों के साथ जाना। आदिल मैट पाकिस्तान, लोकी फर्गुसन और मुजीब रहमान, तो तीन बॉलर या चार बॉलर ले लें, चार बॉलर लेना हो तो मुजीब रहमान के साथ जाना। वही बात करते हैं, आपको कैप्टन किसको बनाए, वाइस कैप्टन किसको बनाए। देखो कैप्टन के लिए मैं यहाँ पर कोलिन मुनरो को पिक करना पसंद करूँगा, वाइस कैप्टन के लिए कार्लोस बेथवेत को। बाकी आपको डिमिलोटी मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा, तो वीडियो चला लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब।